दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को हर उस इंसान को देखना चाहिए जिसकी शादी हो गई है या फिर शादी होने वाली है। घर के हर एक व्यक्ति को ये वीडियो देखनी चाहिए, चाहे फिर वो माँ हो या बेटी हो, पिता हो या बेटा हो, सास हो या बहू हो। हर उस इंसान को देखना चाहिए जो अपने घर में सुख शांति चाहते हैं। मैं जानता हूँ जिस घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में सुख शांति का होना बहुत ही जरूरी होता है। मैं आपको कोई मंत्र नहीं बताने वाला, बल्कि कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताने वाला हूं जिससे आपके घर की खोई हुई सुख शांति वापस आ जाएगी। और इस वीडियो के माध्यम से जिस घर में सुख शांति वापस आती है या फिर इस वीडियो के माध्यम से जिस घर की सुख शांति भंग होने से बच जाती है वो लोग हमें दुआ अवश्य देंगे। ये जो तरीके मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, यही सारे तरीके मैंने अपने जीवन में अपनाए हैं और मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ हुआ है। या मैं ये कहूँ कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सच में ये बहुत ही लाभकारी तरीके हैं। जिसने इस वीडियो को पूरा देख लिया और अपने जीवन में ये तरीके अपना लिए, उसका जीवन, उसका घर स्वर्ग बन जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से वो 6 तरीके जिससे हमारा जीवन, हमारा घर स्वर्ग बन सकता है। एक बार की बात है, अशोक रात के अंधेरे में ही अपने घर से निकल पड़ा था। उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा। लेकिन एक बात उसने अपने मन में पूरी तरह से ठान ली थी कि वो अब वापस लौट कर अपने घर नहीं आएगा। वैसे तो अशोक का पूरा भरा हुआ परिवार था, उसकी पत्नी थी, उसकी माँ थी, उसके पिता थे, उसके 2 बच्चे भी थे जो अभी छोटी ही उम्र के थे। अशोक की पत्नी दिन में खाली होते ही अपने पड़ोस की महिलाओं के साथ समय बिताया करती थी। लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है कि इंसान अपने दुखों से इतना दुखी नहीं होता जितना कि दूसरों के सुख से दुखी होता है। कुछ महीने पहले तक अशोक के परिवार में बहुत ही खुशियां थी। अशोक की पत्नी अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी, वह किसी भी काम को मना नहीं करती थी। लेकिन पड़ोस की महिलाओं को ये बात गवारा नहीं था कि उनका परिवार खुशी से अपना जीवन जी रहा है। इसीलिए बातों ही बातों में बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने अशोक की पत्नी के कान भरने शुरू कर दिए। एक औरत ने कहा कि आजकल की सास पता नहीं कैसी होती है, सब काम अपनी बहू से ही कराना चाहती है, कोई खुद काम करने को राजी ही नहीं होती। अरे बहू भी तो एक इंसान ही होती है, वो घर की नौकरानी थोड़ी ना होती है। दोनों मिल बांट कर काम करें तो दोनों को अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं, उनको तो अपना शासन चलाना है। इस पर दूसरी औरत कहती है कि मैंने तो अपनी सास से साफ साफ कह दिया था कि अगर साथ में काम करोगी तभी मैं काम करूंगी। ये सुनकर पहली वाली औरत कहती है कि देखो, अगर अपना पति अपनी मुट्ठी में है तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अगर तुम्हारा पति ही तुम्हारे साथ नहीं होगा तो तुम क्या बोलोगे अपनी सास को। ऐसी ही बातें धीरे धीरे अशोक की पत्नी के दिमाग में घर कर गई। अब जब भी अशोक काम करके वापस अपने घर लौटता तो उसकी पत्नी छोटी छोटी बातों के लिए अपनी सास की शिकायत अपने पति से करने लगी थी और इसी तरह घर में अशांति बढ़ती चली गई। और एक दिन फिर ऐसा भी आया जब अशोक को अपना घर छोड़ना पड़ गया। आज की रात अशोक की आंखों में नींद नहीं थी, वो अपना घर पीछे छोड़कर आ चुका था, साथ ही वो पीछे छोड़ चुका था अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को। दूसरी तरफ अशोक की पत्नी को भी बहुत पछतावा हो रहा था, उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। लेकिन कोई क्या कर सकता है, जब चिड़िया चुन गई पूरा खेत, अब उसके पास पछतावे के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। और लेकिन अशोक के परिवार को यह डर भी सता रहा था कि कहीं अशोक आत्महत्या ना कर ले, अगर ऐसा हुआ तो वो लोग अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अंधेरे रास्ते में चलते चलते अशोक को दूर खेतों में एक कुटिया में थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी।
अशोक उस कुटिया की तरफ चल दिया। उसने सोचा कि आज रात मैं यहीं पर काट लेता हूं, कल सुबह सोचूंगा कि आगे मुझे क्या करना है। जब वो उस कुटिया के पास पहुंचा तो देखा कि वहां पर एक सन्यासी ध्यान कर रहा था। अशोक कुटिया के बाहर ही बैठकर उस सन्यासी को ध्यान करते हुए देख रहा था। उसके मन में विचार आ रहे थे कि एक सन्यासी का जीवन कितना अच्छा जीवन होता है, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई परिवार नहीं, बस भक्ति, ध्यान और यही उनका संसार होता है। कुछ देर बाद जब सन्यासी अपने ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने कुटिया के बाहर अशोक को बैठा हुआ देखा। उन्होंने अशोक को अंदर आने का इशारा करते हुए कहा कि बच्चा, बाहर तो बहुत सर्दी है, तुम कुटिया के अंदर आ सकते हो। इसके बाद जब दोनों की बातें होने लगी तो अशोक ने अपनी पूरी स्थिति उस सन्यासी को बताया। अशोक ने यह भी बताया कि अब मैं खुद सन्यासी होना चाहता हूं, इसीलिए अगर आप हमें दिशा दे सकते हैं तो मैं आपके पास रहकर ही ध्यान का अभ्यास करना चाहता हूं। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि बच्चा, अभी तो तुम गुस्से में हो और गुस्से में लिया हुआ कोई भी फैसला अच्छा नहीं होता, इसीलिए पहले तुम अपने मन को शांत होने दो, उसके बाद भी अगर तुम्हारी यही इच्छा रही तो मैं तुम्हें दीक्षित कर दूंगा। फिर उस रात अशोक उसी कुटिया में ही सो गया। कुछ दिनों तक उस सन्यासी के साथ रहने के बाद अशोक को अपने बच्चों की याद सताने लगी थी। कुछ दिन और बीत जाने के बाद उसे अपने माता पिता की और अपनी पत्नी की भी याद आने लगी थी। जब भी वो सन्यासी के साथ ध्यान करने के लिए बैठता तो उसके मन में अपने बच्चों की खिलखिलाहट, अपनी पत्नी के हाथ का खाना फिर से उसे याद आने लगा था। तभी एक दिन अशोक ने उस सन्यासी से कहा कि हे गुरुदेव, मैं बड़ा ही संकट में फंसा हुआ हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा जीवन जीना चाहिए। एक तरफ मैं अपने परिवार को त्याग चुका हूं तो दूसरी तरफ मुझे उनकी याद सताती है, लेकिन उस घर में जाने का मेरा मन नहीं करता, क्योंकि घर में लड़ाई झगड़ों से परेशान होकर ही तो मैंने अपना घर त्यागा था। अगर घर में सुख शांति रहे तो ये ध्यान का अभ्यास तो मैं अपने घर पर रहकर भी कर सकता हूं, लेकिन घर में सुख शांति किस प्रकार स्थापित होगी इसका कोई भी तरीका हमें पता नहीं है। अगर आप मुझे कोई सलाह दे सके तो शायद मेरे घर में सुख शांति फिर से लौट आए। इस पर उस सन्यासी ने अशोक को समझाते हुए कहा कि बच्चा, अगर तुम कुछ नियमों का पालन पूर्ण करते हो, कुछ बातों को अच्छे से समझ लेते हो तो घर की सुख शांति तुम्हारे हाथों में ही होगी। जाने अनजाने हम खुद ही अपने परिवार में अशांति पैदा कर देते हैं और इसका हमें एहसास भी नहीं होता। बच्चा, सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम जो है वो ये है कि अपना खून अपना ही खून होता है। चाहे तुम्हारी किसी से भी कितनी भी अच्छी दोस्ती क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, लेकिन अपने परिवार वालों की बातों से ज्यादा महत्व दूसरों को कभी मत देना। जब परिवार के सदस्यों को इस बात का एहसास होता है कि ये आदमी हमसे ज्यादा दूसरे लोगों को महत्व देता है, तो आप अपनी इज्जत खुद ही अपने परिवार के सामने कम करवा लेते हैं। इसी से परिवार में फूट पड़ने लग जाती है, आगे से वो भी आपकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं देगा और यहीं से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी दूरी होने लग जाती है, जिसका फायदा बाहर के लोग उठाते हैं। दूसरा नियम जो दिमाग में रखने का होता है वो ये है कि जब भी परिवार के सदस्यों में कोई आपसी मतभेद पैदा हो जाते हैं तो उसे बात करके सुलझाने का प्रयास करो। अगर कोई बुरी लगी हुई बात परिवार का कोई सदस्य अपने मन में रख लेता है तो वो बात दीमक की तरह हमारे परिवार की सुख शांति को खाने लगती है। इसीलिए कैसी भी बात क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, अपने परिवार के सामने उनके साथ बैठकर उस बात को सुलझाने का प्रयास करो। अपने मन में उसे दबाकर मत रखो। अक्सर जब कोई आदमी गलती करता है
तो वो उस गलती को छुपा कर रखना चाहता है ताकि उसे हर बार वो गलती दोहराने का मौका मिल सके। लेकिन समझने की बात यह होती है कि अगर आप अपनी गलती को दबाकर रखते हैं तो आप बार बार गलती करते जाएंगे और वही गलती आपके परिवार में अशांति का कारण बन जाएगी। और हाँ, परिवार के किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए बाहर के लोगों की सहायता लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपने परिवार के मुखिया के साथ बैठकर उस बात को खुद से ही सुलझाने का प्रयास करो। तीसरा नियम समझने के लिए तुम्हें यह समझना होगा कि घर में सबसे ज्यादा अशांति इसी कारण से पैदा होते हैं कि घर में सबसे ज्यादा अशांति का कारण बहू और सास के मतभेद होते हैं। अगर बहू अपनी सास को माँ के समान और सास अपनी बहू को बेटी के समान देखे तो ये मतभेद बहुत हद तक कम हो सकते हैं। उस सन्यासी ने अशोक को संबोधित करते हुए कहा कि अगर तुम अपनी पत्नी का पक्ष लेते हो तो अपनी माँ की तरफ से बुरे हो जाओगे, और वहीं अगर अपनी माँ का पक्ष लेते हो तो अपनी पत्नी की तरफ से बुरे हो जाओगे। कभी भी घर के मतभेद से आदमी को हमेशा दूर ही रहना चाहिए। कम से कम हफ्ते में एक बार सारे परिवार के सदस्यों को आपस में बैठाकर उनसे बातचीत करनी चाहिए। जो भी समस्याएं परिवार में चल रही हैं, खुलकर आपस में चर्चा होनी चाहिए, और जो भी सदस्य घर का मुखिया निर्धारित किया गया है उसकी बातों को सभी को मानना चाहिए। जिस तरह एक देश को अच्छे से चलाने के लिए एक नेता की जरूरत होती है, इसी तरह एक परिवार को भी अच्छे से चलाने के लिए एक अच्छे मुखिया की जरूरत होती है। अगर देश गलत नेता के हाथों में चला गया तो देश बर्बाद हो जाता है, और इसी प्रकार अगर परिवार गलत मुखिया के हाथों में चला जाए तो परिवार भी अशांत हो जाता है। इसीलिए मुखिया उसे चुनो जो खुद के मदद से परे हो, जो सिर्फ अपने आप की नहीं बल्कि पूरे परिवार की सोचता हो। अगर हम आज से 50-60 साल पहले की बात करते हैं तो उस समय सभी भाई आपस में मिलकर सही तरीके से रहा करते थे, क्योंकि सब लोग एक मुखिया की बात मानते थे, उसे मुखिया समझते थे, उसकी इज्जत करते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं रहा। तो हमें एक मुखिया अपना बनाना चाहिए और उसकी बातें सुनना चाहिए। चौथा नियम यह है कि अपने परिवार का रहस्य किसी को मत बताना। जो अपने परिवार जनों के बीच बातें हो रही हैं उनकी चर्चा अपने पड़ोसियों के साथ कभी मत शेयर करना, वरना तो लोग आपके घर के रहस्य, आपके घर की कमियां जानना शुरू कर देंगे और समय आने पर उन्हीं कमियों की वजह से आपको पछताना पड़ेगा। जो बात परिवार के चार दीवारों के बीच हो रही है उसकी किसी को भी कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों का विश्वास एक दूसरे पर से उठ जाता है और समाज में आपकी वजह से आपके परिवार का मजाक भी बनाया जा सकता है। पांचवा नियम यह है कि परिवार में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं जिया जाता। परिवार के सभी सदस्यों के लाभ और हानि के बारे में हमें चिंता करनी होती है। अगर हम सभी सदस्यों को भूलकर सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे तो परिवार होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। चाहे परिवार के किसी सदस्य से कोई गलती ही क्यों ना हो जाए, पर परिवार वही होता है जो उसका साथ देता है, क्योंकि ज्ञान और भाषण तो सभी दे सकते हैं, लेकिन परिवार वही होता है जो गलती होने पर भी अपने परिवार का, अपने परिवार के सदस्यों का साथ नहीं छोड़ता। छठा नियम यह है कि परिवार के सभी सदस्यों को मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी एक सदस्य को दास या फिर नौकर नहीं समझना चाहिए। हम सबका फर्ज होता है कि हम मिलजुल कर काम करें। अगर एक आदमी कमाता है, दूसरा बैठकर खाता है, तो ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा। गाड़ी तभी सही तरीके से चल सकती है जब उसके सभी पहिए बराबर काम कर रहे हों, वरना तो गाड़ी पलट जाएगी। इस तरह परिवार के जब सब सदस्य मिलजुल कर काम करते हैं तो एक दूसरे के लिए प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे के लिए इज्जत बढ़ती है,
एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन जब एक सदस्य पर ही सारा काम डाल दिया जाता है तो वो अपने आप को उस घर का नौकर समझने लगता है और सभी की इज्जत उसकी नजरों में कम होने लगती है। यही बात सास और बहू पर भी लागू होती है। बहू के आते ही सास समझने लगती है कि अब तो मुझे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भले ही आप अपनी बहू जितना काम न करें, लेकिन उसके काम में आप कुछ तो हाथ बटा सकते हैं। अगर आपकी बेटी होती तो आप उसके साथ काम कर रही होती, और यही बात बहू पर भी लागू होती है कि सास की बात माने, उसे अपनी माँ की तरह समझे और प्यार से काम करे। और फिर सन्यासी ने अशोक को समझाते हुए कहा कि वापिस अपने घर लौट जाओ, उन्हें वहां जाकर इन नियमों के बारे में पूरी तरह से विस्तार से समझाओ, ताकि तुम्हारा परिवार फिर से एकजुट हो सके। क्योंकि जितना तुम अपने परिवार से दूर भागने की कोशिश करोगे, उतना ही दुखी होते चले जाओगे। परिवार के साथ रहकर उन समस्याओं को सुलझाना ही असली ग्रात जीवन होता है। घर से भाग जाना, उनसे दुखी होकर सन्यासी बन जाना, वो सन्यास जीवन नहीं होता है। सन्यासी तब बना जाता है जब परिवार खुशी खुशी तुम्हें सन्यासी बनने के लिए मंजूरी दे देता है। और इसी के साथ उस सन्यासी ने अशोक को उसके घर वापस रवाना कर दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला? यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी लेकर, तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।